साहिला में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर ब्लॉक साहिला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान वर्ष 2023 का आयोजन SDN पारासन वेंकट के मुख्य अतिथि व CBO भवरलाल परमार की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने माँ सरस्वती की समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कक्षा वर्ग 9 से 12 में उत्कृष्ट कार्य के लिए गिरिराज गुर्जर शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओटवाला एवं कक्षा वर्ग 1 से 5 में उत्कृष्ट कार्य के लिए हिंदू खान प्रबोधक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेरेखां की ढाणी को उपखंड अधिकारी साहिला ने सम्मानित किया। शिक्षकों को माला साफा प्रमाण पत्र एवं 5100 का चेक देकर ब्लॉक स्तरीय सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने शिक्षकों को वर्तमान शिक्षा प्रणाली के तहत विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर दिया। CBO परमार ने सभी को अपने कार्य के प्रति समर्पित रहकर कार्य करने का आह्वान किया। नोडल प्रधानाचार्य लहरीराम ने सभी का आभार प्रकट किया। प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार शर्मा ने शिक्षकों को विद्यार्थी हित में कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ओटवाला विक्रम कुमार, RP लुम्बाराम, सुरेश चंद्र बेनीवाल, राज्य पुष्कर शिक्षक दुर्ग सिंह एम अरविंद कुमार जिंदगर, मेघ सिंह, टीलाराम, श्रवण सिंह राव, अशोक कुमार, कन्हैयालाल सहित ब्लॉक के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद थी। सर्वप्रथम मैं शब्दों की अधिष्ठात्री माँ वीणा पारे को नमन करता हूँ एवं माँ शारदा के अंशावतार मेरे समक्ष विराजमान गुरुजनों को नमन करता हूँ एवं मेरे समक्ष बैठे जो ये बच्चे जो देश के भावी कर्णधार है, देश के नौनियाल है, इनको इस 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर मैं मेरी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आह्वान करता हूं कि ये भी आगे जाकर के देश का, राज्य का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ में ही समय कम है, 3-3:30 के करीब कलेक्टर साहब की आज विजिट है अपने यहाँ, मेरे कार्यालय का निरीक्षण भी है, थाने का निरीक्षण है और जो कैंप है IGSY उसका भी निरीक्षण है। कम समय है पर आज आना था, फिर जो मेरे पास में आए थे तो मैंने कहा इस कार्यक्रम में अपन चलेंगे, शिक्षकों का कार्यक्रम है। मैंने कुछ अलग सोचा था, एक बार पंचायत समिति में लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए थे, मगर मैंने सोचा ऐसा भव्य कार्यक्रम होगा तो जाना जरूरी था। आज हमारे समक्ष आप जो ये शिक्षक और विद्यार्थी बैठे हैं, बहुत चंद बातें कहकर के मैं मेरा उद्बोधन समाप्त करूंगा। सबसे पहले आज जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत गिर गया है, ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। जब जब कोई भी संस्था, कोई भी एजेंसीज, कोई भी NGO अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तो एक पैरोडी सिस्टम खड़ा हो जाता है और ऐसा ही पैरोडी सिस्टम हमारे एजुकेशन में खड़ा हो गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अधिकतम शिक्षक खुद अपने प्राइवेट स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में और पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना अपना स्वाभिमान मानते हैं, क्योंकि उनको अपनी शिक्षा पद्धति पर विश्वास नहीं है। ये बिल्कुल एक सच्चाई है। कोई LM में चाहता है, कोई रिजोलेंस में चाहता है, कोई दूसरी किसी प्राइवेट संस्थाओं में करवा रहे, ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सरकार ने अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभाया, हमने अपने ड्यूटीज को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो एक प्राइवेट स्कूलों की पैरोडी एक सिस्टम खड़ा हो गया। ऐसा ही सिस्टम चिकित्सा में खड़ा हो गया, क्योंकि हमारे किसी क्रिकेटर को एक अगर अंगुली पे चोट आती है या नखने पे चोट लगती है तो वो लंदन जाकर के ऑपरेशन करवाते हैं, मगर भारत में ऑपरेशन नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि हमें अपनी चिकित्सा पद्धति पे विश्वास नहीं है। परंतु सत्यता ये है कि व्हाइट हाउस के अमेरिका के जो राष्ट्रपति के जो टोटल डॉक्टर है उसमें 20-21 डॉक्टर है वो इंडियंस है। जब हम हमारी शिक्षा पद्धति पे या हमारी कल्चर पे, हमारी संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पे जब हम खुद मनन चिंतन नहीं करेंगे तो ये पैरोडी सिस्टम खड़ा होगा। आज सरकारी स्कूलों की हालत कैसी हो गई, प्राइवेट BEd कॉलेज आ गए, मेडिकल कॉलेज आ गए, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए, थोक के भाव में BEd की डिग्रियां मिल रही है। क्यों? ऐसा नहीं है कि योग्यताओं की कमी में, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ,
सफाई वगैरह पूरा टोटल एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुआ, परंतु कहीं न कहीं अब धीरे धीरे इसमें डाउनफॉल आ रहा है और ऐसी स्कूलें खड़ी हो गई, कॉन्वेंट स्कूलें हो गई, पब्लिक स्कूलें हो गई, कॉन्वेंट बिना कॉन्वेंट स्कूल